नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम लोग नया चैप्टर देखेंगे। पहला जो दूसरा लेसन था दोस्तों, मैंने आपको क्लियर करा दिया है। दूसरा और चौथा लेसन भी आपका क्लियर हो चुका है। फिलहाल तीसरा चैप्टर छूटा हुआ था, तो दोस्तों मैं अब इस तीसरे चैप्टर को भी लूँगा। उसके बाद हम लोग रेगुलर वे पे लेक्चर में कराता रहूँगा आपको, और एक एक चैप्टर के बारे में हम लोग आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, जो तीसरा चैप्टर है आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड होगा। सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा में गति, तो इस चैप्टर का नाम भी है। और बात किया जाए कि सरल रेखा में गति क्या होती है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर डेफिनेशन तैयार की जाए तो आप कह सकते हैं कि जब कोई पिंड सीधी रेखा में गति करता है तो उसकी गति को क्या कहते हैं दोस्तों, सरल रेखा में गति या सीधी रेखा में गति कहते हैं। काफी इजी डेफिनेशन है, तो चलिए मैं लिख दे रहा हूं आपको, डेफिनेशन लिख दे रहा हूं कि जब कोई पिंड सीधी रेखा में गति करता है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है, या जब कोई पिंड सीधी रेखा में गति करता है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें दोस्तों, तो आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण अगर आप लेना चाहें तो कह सकते हैं कि सीधी सड़क पर चल रहा है गाड़ी या सीधी सड़क पर कोई मोटरसाइकिल चल रही है, बाइक चल रहा है, तो चीजें आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि सीधी सड़क पे या जो भी मोशन हो, एक स्ट्रेट में हो, एकदम सीधा हो, उसमें कहीं भी कर्व का रूप ना हो। कर्व का मतलब होता है वृत्त, टेढ़े मेढ़े आकृति में गति ना करती हो, सीधा गति करती हो, तो इस प्रकार की गति को दोस्तों हम कहते हैं सरल रेखा में गति कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको जैसे बस डेफिनेशन के तौर पर ही ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम हॉल में वगैरह पूछा जाए, ये चीजें पूछने वाली नहीं है, बस जनरली आप डेफिनेशन तैयार रखें। बाकी सब चीजें जो मेन मेन टॉपिक है, उन्हीं चीजों को मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा, वही चीजें आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। बाकी चीजें छोटी छोटी डेफिनेशन है, उनको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, आप समझ चुके होंगे सरल रेखा में गति। अब हम लोग देखेंगे सरल रेखा गति में हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, यांत्रिकी, मैकेनिक्स। तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है मैकेनिक्स, यानी यांत्रिकी। तो हेडिंग में दे रहा हूं यांत्रिकी, जिसको बोलते हैं दोस्तों मैकेनिक्स कहते हैं। चलिए अब बात आती है कि मैकेनिक्स क्या है। तो चूंकि मैकेनिक्स जो है एक फिजिक्स की शाखा है, ब्रांच है, तो अगर आप कहें कि मैकेनिक्स क्या है या यांत्रिकी क्या है, तो भौतिकी की वह शाखा लिख सकते हैं, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं के गति का अध्ययन करते हैं, वस्तुओं के गति का अध्ययन करते हैं
अध्ययन करते हैं, वस्तुओं की गति का क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, यांत्रिकी कहलाता है। यानी यांत्रिकी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, शाखा है, जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। अब देखिए जो है अध्ययन के दृष्टि से यांत्रिकी को, मैकेनिक्स को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। तो आप ले सकते हैं कि नीचे अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं कि यांत्रिकी को अध्ययन की दृष्टि से तीन शाखाओं में बांटा जाता है, तीन शाखाओं में या भागों में बांटा गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इनके तीनों ब्रांच के बारे में अब हम लोग जानकारी लेंगे। जो फर्स्ट आता है उसे बोलते हैं स्थिति स्थैतिकी, इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, स्थैतिकी या स्थिति विज्ञान, स्थिति विज्ञान या आप कह सकते हैं स्थैतिकी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्टैटिक। चलिए अब हम कहानी को समझते हैं, स्थिति विज्ञान क्या है, स्थैतिकी क्या है। तो दोस्तों आप जनरली ऐसे भी समझ रहे होंगे, अगर आप चीज़ों को अगर थोड़ा एनालाइज करें समझें तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति विज्ञान का मतलब ये होता है कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है, पिंड पर लगने वाले वाह्य बलों के अधीन साम्य अवस्था में वस्तुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, स्थैतिकी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे यांत्रिकी की वह शाखा, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बाह्य बलों के अधीन वाह्य बलों के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है दोस्तों, अध्ययन किया जाता है, स्थैतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थैतिकी कहलाता है। कहने का कॉन्सेप्ट यह है कि यांत्रिकी का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत अगर कोई पिंड है उस पर तमाम बल लगे हुए हों और तमाम बल लगने की वजह से भी अगर वह वस्तु साम्य अवस्था में है, यानी रेस्ट में है, विराम में है, तो उसके अंतर्गत विराम में स्थित वस्तुओं का जो भी अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को ही क्या कहते हैं दोस्तों, स्थैतिकी कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा कि स्थैतिकी किसे कहते हैं। अब थोड़ा हम लोग चलेंगे अब आगे, चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब आगे हम लोग। चलिए
अब आगे हम लोग देखेंगे स्थैतिकी कहलाता है। अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों, इस पहला तो आप लोग समझ चुके हैं, अब चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा। अगर हम लोग दूसरे की बात करें तो जो दूसरा पॉइंट उठ के आता है उसे बोलते हैं शुद्ध गतिकी। क्या बोलते हैं दोस्तों? शुद्ध गतिकी। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग अगला जो टॉपिक है वो है शुद्ध गतिकी। क्या है? शुद्ध गतिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो अगर काइनेमेटिक्स की बात की जाए दोस्तों तो काइनेमेटिक्स क्या कहलाता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। काइनेमेटिक्स कह सकते हैं कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर बल का अध्ययन न करके सिर्फ उस वस्तु पर लगने वाले गति का अध्ययन करते हैं उसे ही क्या करते हैं दोस्तों? शुद्ध गतिकी कहते हैं। तो चलिए मैं लिखता हूं, नोट कर रहा हूं, लिखेंगे यांत्रिकी की वह शाखा, यांत्रिकी की वह शाखा, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु पर लगने वाले जिसके अंतर्गत वस्तु पर लगने वाले बल का अध्ययन न करकर अध्ययन न करके केवल उसकी गति का अध्ययन करते हैं कि गति का अध्ययन केवल उसकी गति का अध्ययन क्या करते हैं दोस्तों? करते हैं केवल उसकी गति का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? शुद्ध गति की कहलाता है। तो लिख सकते हैं शुद्ध गति की कहलाता है। तो बस ये आपकी डेफिनेशन तैयार हो गई कि शुद्ध गति की क्या होता है। यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु पर लगने वाले बल का अध्ययन न करके केवल और केवल उसकी गति का अध्ययन करते हैं शुद्ध गति की कहलाता है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरा इसका ब्रांच जो होती है, तीसरी ब्रांच जो होती है गति विज्ञान। ये है गति विज्ञान, डायनेमिक्स। जिसको हम लोग डायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें वस्तु की क्या करेंगे? गति का अध्ययन करेंगे और उस पर लगने वाले बल को भी क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। तो लिखेंगे यांत्रिकी की वह शाखा, यांत्रिकी यहां पर आप नौ बना दे यहां से, सॉरी ये नौ बना लीजिएगा, समझिएगा यांत्रिकी, देखिए यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर
लगने वाले बल के साथ साथ उसकी गति का भी अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। गति विज्ञान कहलाता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमने आपको तीनों चीजों के बारे में बताया। एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। सरल रेखा में गति का मतलब होता है जब कोई पिंड सीधी रेखा में गति करता है उसकी गति को सरल रेखा गति कहते हैं। फिर हम पढ़े हैं यांत्रिकी मैकेनिक्स, तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों? यांत्रिकी कहलाता है। यांत्रिकी को तीन शाखाओं में बांटा गया है। पहली शाखा कहलाती है दोस्तों स्थिति विज्ञान या स्थैतिकी, यानी हम कह सकते हैं डेफिनेशन अगर तैयार करना चाहते हैं हम तो कह सकते हैं यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बाह्य बलों के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है स्थैतिकी कहलाता है। अगर ओरिजिनली आप समझे तो कह सकते हैं कि जब कोई पिंड पर बहुत सारे बल लगते हैं और बल लगने के बावजूद भी अगर वो रेस्ट में है तो उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? स्थिति विज्ञान या स्थैतिकी कहते हैं। शुद्ध गति की जिसको हम बोलते हैं दोस्तों काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि इसकी अगर डेफिनेशन तैयार करेंगे तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु पर लगने वाले बल का अध्ययन न करके केवल उसकी गति का अध्ययन किया जाता है कि आखिरकार उस पर कितना बल लगा नहीं लगा उससे कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ ये देखा जाता है कि उस पर कितना वो गति कैसे कर रहा है उसी का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? शुद्ध गति की कहते हैं। थर्ड जो टॉपिक निकला गति विज्ञान जिसको हम डायनेमिक्स कहते हैं, तो डायनेमिक्स है यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर लगने वाले बल के साथ साथ उसकी गति का भी अध्ययन किया जाता है, गति विज्ञान कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों चीजों का मैच होगा। यहाँ पर हम लोग गति विज्ञान के अंतर्गत वस्तु पर फोर्स तो लगता ही है, उसके साथ साथ हम उसके किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? उसके साथ साथ हम लोग उसकी गति का भी अध्ययन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये तीनों इसके कैटेगरीज को यानी श्रेणियों को आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों आगे। अगला जो पॉइंट होगा, ऐसे आप रेफरेंस ऑफ फ्रेम के बारे में मैं बता दे रहा हूँ जिसको आप संदर्भ तल करते हैं या निर्देश तंत्र कहते हैं, ठीक है? निर्देश तंत्र के बारे में मैं बता रहा हूँ, रेफरेंस ऑफ फ्रेम के बारे में, लेकिन आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हर चीज लिखा ही जाए, आप थोड़ी बुक भी पढ़ा करें, क्योंकि देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को आप उतना ही नोट्स में प्रोवाइड कराएं, उतना ही लिखें जितना कि आपके लिए सुटेबल हो। बाकी सब बुक है, उसके साथ भी आप बुक को भी थोड़ा पढ़े। ऐसा नहीं कि आप टीचर पर टोटली डिपेंड हो जाए और समझे कि सर ने जो पढ़ा दिया वही सारा चीज़ है, ऐसा नहीं है, ठीक है? हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ों को समझा दिया जाए, बाकी आपको ही करना है। तो चीज़ों को मैं समझाऊंगा, बाकी आप किताब भी बुक भी थोड़ा पढ़ा करें। तो ध्यान दीजिएगा रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या होता है। रेफरेंस ऑफ फ्रेम का मतलब होता है जो आप एक्सिस बनाते हैं ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाते हैं, तो उसके संदर्भ में मतलब एक तल होता है। जैसे अगर आप कहें कि हमारे घर से जैसे कोचिंग की दूरी कितनी है दोस्तों? 5 किलोमीटर है। तो आपने घर को क्या माना? रेफरेंस ऑफ फ्रेम माना, यानी आपने माना कि हमारा घर का जो डिस्टेंस है उसको आपने जीरो माना, ओरिजिन माना, और उसी से मेजरमेंट किया कहाँ तक आप दोस्तों? अपनी कोचिंग तक। फिर मेजर किया आपने क्या कहा कि कितना किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अब एक दो स्टूडेंट है, अब एक ने मापा कि अपने घर से वो 5 किलोमीटर है, तो अपने घर को उसने क्या मिला? रेफरेंस ऑफ फ्रेम, जिसको आप संदर्भ तल कहते हैं। दूसरा एक स्टूडेंट है, वो कहेगा कि मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर है, तो जाहिर सी बात है कि वह व्यक्ति या वह स्टूडेंट, वह ऑब्जेक्ट जहाँ से चलना स्टार्ट करता है
उसी को अगर वो रिफरेंस ऑफ फ्रेम यानी जिस पॉइंट से वो मेजरमेंट लेता है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पूरे जो एक क्या बनता है स्पेस जो बनता है, जो एक्स वाई और जेड से हमें एक क्या मिलता है, एक पूरा एरिया मिलता है, या कहें कि उसी पॉइंट से मेजरमेंट सारा चीज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, निर्देश तंत्र कहते हैं या रेफरेंस ऑफ फ्रेम कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन अगर आप तैयार करना चाहें तो थोड़ा सा अजीब सा डेफिनेशन आती है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र जिसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस ऑफ फ्रेम, सॉरी फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो चलिए देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। लिखेंगे एक संदर्भ बिंदु, एक संदर्भ बिंदु, एक संदर्भ बिंदु अक्षों के क्या है अक्षों के समूह, देख लीजिए आ गया है, अक्षों के समुच्चय तथा आप लिख सकते हैं समुच्चय अक्षों के समुच्चय तथा उससे संबद्ध एक घड़ी का निकाय, क्या कहलाता है दोस्तों, निर्देश तंत्र कहलाता है, थोड़ी इसकी डेफिनेशन अजीब सी आती है, तो आप चीजों को समझे, जहां से आप मेजरमेंट करते हैं उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र कहते हैं। चलिए, जैसे अगर आप कहें कि अगर हम लोग एक्सिस बना दें, इसको एक्स मान ले, अगर हम इसको क्या मान ले दोस्तों, वाई मान ले, और इसको क्या मान ले हम लोग, जेड मान ले, और ये क्या हो गई दोस्तों, ये जेड हो गई, और ये क्या हो गया, ओरिजिन ओ हो गया। तो इसी पूरे आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो हमें सिस्टम प्राप्त हुआ है, यही क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, इसी को क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं ठीक है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, निर्देश तंत्र कहते हैं। चलिए, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, अक्षों के एक समुच्चय ठीक है। चलिए तो दोस्तों, फिलहाल मैं अब यहीं तक रहने देता हूं, आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके प्रकार, निर्देश तंत्र के प्रकार, कि निर्देश तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, जैसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, तो निर्देश तंत्र का डेफिनेशन और चीज़ों को मैं समझा चुका हूँ, इसको मैं अगले लेक्चर में आपके लिए लेकर आऊँगा, फिलहाल मैं यहीं तक रहने देता हूँ। दोस्तों, हमें आपसे कुछ बातें भी करनी है, आप क्या करें कि चीज़ों को प्रॉपरली नोट्स बनाएं, नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि एक टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, बाकी आप सोचेंगे कि टीचर पर ही टोटल डिपेंड रहे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी,
आपको बस हम समझा सकते हैं, बाकी सारा काम आपको ही करना है। आप बुक भी पढ़ें, अगर फिर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। फिर भी और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपको ये वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, रहने देते हैं, अब हम लोग अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।